Good morning class. This is our new pathology class in which today we will study about the remaining topic of blood examination, which is the last chapter of your clinical pathology. In which today we will study about the examination of blood films. मैंने आपको बताया था कि भाई हमारे को एग्जामिनेशन करना था पेरिफेरल ब्लड स्मीयर वगैरह बना करके, जिसमें अपन क्या करेंगे, सेलुलर एलिमेंट्स के नंबर देखेंगे, हम इन सभी सेल्स की मॉर्फोलॉजी देखेंगे, ब्लड पैरासाइट्स एबनॉर्मल सेल्स वगैरह इसके अंदर अपन देखते हैं. और इसको देखने के लिए हमारे को एक यूनिफॉर्म ग्रेडिंग सिस्टम यूज़ करना पड़ेगा ब्लड पिक्चर के लिए. ब्लड पिक्चर में स्मीयर जो हमने बनाया था उसको अपन लो पावर ऑब्जेक्टिव, हाई ड्राई ऑब्जेक्टिव, ऑयल इमर्जन ऑब्जेक्टिव वगैरह के नीचे रख करके अपन स्टडी करते हैं, जिसमें सबसे पहली स्टडी अपन कर रहे हैं आरबीसी की स्टडी. आरबीसी देखिए, इसकी शेप, साइज, इसे हीमोग्लोबिनाइजेशन की डिग्री, इसका कलर, ये सब स्टडी की जाती है. और ग्रेडिंग हम उसको देते हैं, उसके रिजल्ट में ग्रेड के थ्रू रिजल्ट बताते हैं. इसके अलावा रेड सेल इंक्लूजन्स और न्यूक्लिएटेड आरबीसीज भी अपने को देखनी होती है. अब मैं आपको बार बार इसमें बोल रही हूँ ग्रेडिंग सिस्टम होता है किसके लिए होता है. बहुत तरह के अलग अलग ग्रेडिंग सिस्टम दिए गए हैं ब्लड पिक्चर की एबनॉर्मेलिटी को बताने के लिए. ये केवल एबनॉर्मेलिटी बताते हैं, सिर्फ उसी के लिए पर्याप्त नहीं है एबनॉर्मेलिटी बताने के लिए, बल्कि हमारे को उस एबनॉर्मेलिटी की डिग्री बतानी पड़ेगी. जो कैसे बता सकते हैं, ग्रेडिंग माइल्ड, मॉडरेट या मार्क्ड बता करके प्लस सिस्टम के थ्रू अपन बता रहे होते हैं. हीमोग्लोबिन की ग्रेडेड दी जाती होती है. अब स्केल जो है इसका 1+ से लेकर 4+ तक हो सकता है. अब हमारे को क्या क्या चीज़ें देखनी है भाई, शेप साइज देखना है पहले तो सबसे पहले आप देखिए साइज को. साइज एन आइसोसाइटोसिस, नॉर्मल साइज़ मैंने आपको बताया था 7.2 माइक्रॉन होता है आरबीसी का नॉर्मल साइज़. आरबीसी जो नॉर्मल साइज़ की होती है उसको अपन नॉर्मोसाइट कहते हैं. एन आइसोसाइटोसिस का मतलब होता है आरबीसी की साइज़ में एबनॉर्मेलिटी आ रही है, एबनॉर्मल वेरिएशन आ जाए उसको एन आइसोसाइटोसिस. नॉर्मल तो नॉर्मोसाइट और एबनॉर्मल को एन आइसोसाइटोसिस. इसमें नॉर्मोसाइट भी हो सकता है, मैक्रोसाइट और माइक्रोसाइट हो सकता है. 7.2 से कम हो जाए तो माइक्रोसाइट, 7.2 से बड़ा हो जाए मैक्रोसाइट, और 7.2 है तो नॉर्मोसाइट. अब दो फैक्टर्स अपन कंसीडर कर रहे होते हैं, ग्रेडिंग सिस्टम 1 से लेकर 4 तक यूज़ करना ही है. अब हमें देखना है कि एन आइसोसाइटोसिस है तो कितना ज़्यादा है ग्रेडिंग, तब देते हैं अपन के डिग्री ऑफ वेरिएशन कितना आ रहा है, जैसे 1+, 2+, 3+, 4+. अब 1+ एन आइसोसाइटोसिस जो है कि अधिकतर रेड सेल्स ऑयल इमर्जन में एवरेज दिखाई दे रही है. साइज 5 से 10 सेल्स अगर आपको एक जैसी दिख रही है पर फील्ड 2 से 5% मतलब, तो प्रोमिनेंट सेल लाइन तो उसमें 1+ दे रहे होते हैं. अधिकतर रेड सेल्स जो हैं वो यूनिफॉर्म दिखाई दे रही है, तो 10 से 15 सेल्स कह सकते हो या 5 से 7% की फॉर्म में डिस्टिंग्विश. 3+ ग्रेडिंग तब देंगे जब 15 से 25 सेल्स पर फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म साइज़ की दिखाई दे रही है. और 4+ अपन देंगे जब 26 से 50 सेल्स यूनिफॉर्म साइज़ की आपको, यानी 12 से 25% आपको यूनिफॉर्म सेल्स दिख गई, तो 4+ एन आइसोसाइटोसिस कहा जाता है. अब एन आइसोसाइटोसिस का मतलब तो एबनॉर्मेलिटी हमने बोल दी. अब एबनॉर्मेलिटी में अगर 6 माइक्रॉन डायामीटर से भी रेड सेल का साइज़ छोटा है तो इस कंडीशन को अपन माइक्रोसाइट्स कहते हैं. माइक्रोसाइट्स MCV की कंडीशन में दिखाई देती है भाई. 1+ माइक्रोसाइटोसिस यानी 5 से 20% रेड सेल्स जो हैं वो माइक्रोसाइट हैं. 2+ का मतलब 21 से 25% माइक्रो है. 3+ 51 से 75% माइक्रो. और 4+ का मतलब है 76 से 100% सेल्स जो हैं वो छोटी ही दिखाई दे रही हैं नॉर्मल साइज से. माइक्रोसाइटोसिस अगर दिख रहा है इसका मतलब वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को इंडिकेट करता है, या थैलीसीमिया पर्सन को है, या सिडरोब्लास्टिक एनीमिया पर्सन को है, इसको इंडिकेट करेगा. दूसरी कंडीशन है मैक्रोसाइटोसिस, यानी आरबीसी का साइज जो है वो यही बता देती हूँ मैं आपको. आरबीसी का साइज जो है 8 माइक्रॉन से बड़ा आपको दिख रहा है तो उसको मैक्रोसाइट्स कहेंगे.
वन प्लस मैक्रोसाइट का मतलब है 2 से 10% साइज बड़ा दिख रहा है सेल का, 2 प्लस 11 से 25% सेल बड़ी दिख रही है, 3 प्लस 26 से 50% बड़ी दिख रही है, और 4 प्लस 50% से भी ज़्यादा सेल्स अगर आपको मैक्रोसाइट दिखाई दे रही है। मैक्रोसाइट भाई कब कब दिख सकता है, इन चीज़ों को नोट कर लीजिए, यहाँ लिखा हुआ नहीं है। मैक्रोसाइट कब दिखेगा, मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया में, हीमोलाइटिक एनीमिया में, एक्सेसिव एरिथ्रोपोइसिस किसी को हुआ हो, या क्रॉनिक लिवर डिजीज़ किसी को हुई हो, तो साइज़ बढ़ा हुआ दिखता है। तो ये तो हुआ आरबीसी की साइज़ के बारे में। दूसरा टॉपिक आएगा आरबीसी की शेप, पॉइकिलोसाइटोसिस। शेप नॉर्मली कितनी कैसी होती है, बाइकॉनकेव डिस्क होती है ना आरबीसी, आपने देखी है बाइकॉनकेव डिस्क। एराइथ्रोसाइट्स अगर एबनॉर्मल वेरिएशन की शेप में दिखा दे तो उसको अपन पॉइकिलोसाइटोसिस कहते हैं। नॉर्मली होती है बाइकॉनकेव शेप, ये तो पॉइकिलोसाइट कहलाती है। और आरबीसी को पॉइकिलोसाइट्स में अगर एबनॉर्मलिटी आ रही है तो कैसी हो सकती है भाई, स्फेरोसाइट गोल हो सकती है, ओवल मैक्रोसाइट अंडाकार बड़े साइज की, टारगेट सेल्स एकेंथोसाइट, शिस्टोसाइट, सिकल सेल, बर सेल, टीयर ड्रॉप सेल, पेंसिल जैसी, अंडाकार जैसी, ऐसे अलग अलग शेप इसकी दिख सकती है। अगर 5% से भी ज़्यादा एक टाइप की सेल्स दिख रही होती है तो उसके बेसिस पर अपन परसेंटेज बताते हैं। जैसे 1+ पॉइकिलोसाइटोसिस का मतलब 2 से 6 सेल्स जो होते हैं वो केवल 2 से 6 सेल ही नॉर्मल शेप की हैं, 2+ में केवल 7 से 10 सेल नॉर्मल शेप की है, मतलब नॉर्मल शेप से वेरी कर रही है, 2 से 6 सेल नॉर्मल शेप से वेरी कर गई, 7 से 10 नॉर्मल से वेरी कर गई, 3+ 11 से 20 सेल्स नॉर्मल सेल शेप से वेरी कर गई, और 4+ में 21 या उससे ज़्यादा सेल्स जो है नॉर्मल शेप से वेरी कर जाती हैं। अब पॉइकिलोसाइटोसाइट्स जो हैं उसमें कौन कौन सी दिख सकती है भाई, जो मैंने नाम लिया उनको मैं बता देती हूँ इनका मतलब। जैसे इकाइनोसाइट्स दिख सकती हैं, ये क्रीनेशन होता है, एंटी फर्केट हुई हुई डिजीज़ को इंडिकेट करेगा। क्रीनेटेड सेल्स जो होती है उस वो क्या होती हैं, रेड सेल अगर श्रिंक हो जाए क्योंकि उसमें से पानी निकल जाता है और श्रिंक हो जाती है तो वो क्रीनेशन कहलाता है, इसको अपन इकाइनोसाइट्स कहते हैं। दूसरी बर सेल्स होती हैं, इरेगुलरली श्रंकल सेल्स को बर सेल्स कहते हैं, वेरी स्मॉल इरेगुलर श्रंकल सेल्स। थर्ड होती है एकेंथोसाइट्स यानी स्पाइक जैसी, कांटो जैसी, हाइपरक्रोमिक आरबीसी आपको दिखाई देगी। नेक्स्ट स्टोमेटोसाइट, इसमें आरबीसी के सेंटर का एरिया हल्के रंग का दिखता है। नेक्स्ट स्फीरोसाइट्स, स्फेरिकल रेड सेल दिखाई देगी, गोल गोल देती है, शेप तो भाई कौन के होती है पर इसमें स्फीरोसाइट में गोल दिखाई देती है। शिस्टोसाइट ऊपर नाम लिखा हुआ है, देखिए ये फ्रेगमेंटेड आरबीसी, इसको फ्रेगमेंटेड सेल भी कहते हैं शिस्टोसाइट को क्योंकि इसमें आरबीसी फ्रेगमेंटेड होती है। इलिप्टीसाइट, इसको ओवेलोसाइट भी कहते हैं, इसमें सेल ब्लंट एंड जो है वो थोड़ा अंडाकार से लंबा हो सकता है। ड्रिपेनोसाइट, इसको सिकल सेल भी कहते हैं तो ऑब्वियसली सिकल शेप की हंसियाकार दिखाई देगी। कोडोसाइट, इसको बेल सेल या टारगेट सेल भी कहते हैं, टारगेट सेल यहाँ नाम लिखा हुआ है ना, इसी को अपन कोडोसाइट कहते हैं, सॉरी। नेक्स्ट डेक्रायोसाइट, इसको टीयर ड्रॉप सेल कहते हैं, लिखा हुआ है टीयर ड्रॉप सेल भी, इसको डेक्रायोसाइट कहते हैं, आंसू के बूंद जैसी सेल दिखाई देगी। नेक्स्ट है लैप्टोसाइट, ये थिन सेल्स होते हैं, थिन फ्लैट सेल होती है जिसमें हीमोग्लोबिन पेरीफ्राई पे ज़्यादा दिखाई दे रहा होता है, सेंटर का पेल एरिया दिखाई देता है। ख़त्म शेप का वेरिएशन, तो कितने तरह की शेप होती है मैंने आपको बोल के बता दी, ग्रेडिंग सिस्टम यहाँ लिखा हुआ है। अब आरबीसी का कलर देख लेते हैं। नॉर्मल आरबीसी नॉर्मोक्रोमिक कहलाती है, जो नॉर्मल कलर होता है, नॉर्मल में स्मॉल एरिया सेंटर का जो होता है वो पेलर होता है। अब हो सकता है, अब एबनॉर्मलिटी में क्या क्या हो सकता है भाई, हल्का रंग, गहरा रंग, मिक्स टाइप का रंग, ऐसे कंडीशन दिख सकती है जैसे हाइपोक्रोमिया, पॉलीक्रोमो क्रोमेटोफिलिया, हाइपरक्रोमिया, एन आइसोक्रोमिया, डबल पॉपुलेशन जिसको अपन कहते हैं। हाइपोक्रोमिया क्या होता है भाई, इसमें हीमोग्लोबिन का कंटेंट एबनॉर्मली कम हो जाएगा तो हाइपोक्रोमिया होता है, तो अपन उसमें ग्रेडिंग दे ही नहीं पाते हैं। MCHC इसमें कम हुआ हुआ दिखाई देगा, अभी MCHC जो नाम आ रहे हैं आगे मैं बताऊंगी ये क्या होते हैं। इसके अलावा कंडीशन होती है पॉलीक्रोमेटोफिलिया, पॉलीक्रोमेटोफिलिया में आरबीसी इमैच्योर नॉन न्यूक्लिएटेड आरबीसी मतलब दिखाई देगी। इमैच्योर आरबीसी मिशन कैसी होती है, न्यूक्लिएटेड, और इसमें आरबीसी इमैच्योर है तो नॉन न्यूक्लिएटेड आरबीसी जो है उसमें साथ में थोड़ा बहुत रेजिडुअल आरएनए दिखाई देगा।
और नॉर्मल आरबीसी से थोड़ी सी लार्जर होती है। हाइपरक्रोमिया में कोई सेंट्रल पेलर एरिया यानी हल्के रंग का बीच का एरिया होता ही नहीं, पूरी पूरी गहरे रंग की आरबीसी दिखाई देगी। और एन आइसोक्रोमिया को डबल पॉपुलेशन कहते हैं, ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को इंडिकेट करती है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के पर्सन को अगर आपने ट्रीट किया है या उसमें नया ब्लड चढ़ाया है तो आधी पॉपुलेशन तो गहरे रंग की और आधी आरबीसी की पॉपुलेशन हल्के रंग की दिखाई देगी। इसको अपन एन आइसोक्रोमिया कहते हैं। ख़त्म, ये आरबीसी का डिस्क्रिप्शन जो शेप साइज और कलर का है वो ख़त्म। इसके अलावा एक वर्ड मैंने आपको बोला था, क्या बोला था मैंने एक वर्ड आपको, क्या आरबीसी में इंक्लूजन्स भी दिख सकते हैं, कुछ इंक्लूजन्स प्रेजेंट रहते हैं जैसे कि बेसोफिलिक स्टेपलिंग, हॉवेल जॉली बॉडीज, कैबॉट रिंग, सिड्रोसोम्स, मलेरिया पैरासाइट्स। तो ये नाम आप नोट डाउन कर लीजिए। इसी तरह से अपन क्या कर रहे होते हैं, डब्ल्यू बी सी का भी कर रहे होते हैं, पर डब्ल्यू बी सी का मैं आपको बता नहीं रही हूँ कि डब्ल्यू बी सी में वही शेप साइज जो देखने होते हैं न्यूट्रोफिल वगैरह की, तो आपको उनमें पता है कैसे लोब्स वगैरह से पता करेंगे, बाकी कुछ खास अपन इसमें करते नहीं हैं। इसके बाद सीधा आ जाइए किसके ऊपर, पैक्ड सेल वॉल्यूम यानी पी सी वी या हिमेटोक्रिट, इसको अपन कहते हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हिमेटोग्रिट को पी सी वी यानी पैक्ड सेल वॉल्यूम कहते हैं। ये ब्लड का वो सैंपल है जिसमें अपन को रेशियो लेना है वॉल्यूम ऑफ इराइथ्रोसाइट टू दैट ऑफ द होल ब्लड। पूरे ब्लड में इराइथ्रोसाइट का वॉल्यूम कितना है उसको पी सी वी कहते हैं। पूरे ब्लड के अंदर आर बी सी कितनी है, आर बी सी का वॉल्यूम, आर बी सी काउंटिंग नहीं, आर बी सी का नंबर नहीं कह रहे हम, आरबीसी का वॉल्यूम कितना है उसको अपन पैक्ड सेल वॉल्यूम कहते हैं। और इसको अपन परसेंटेज या डेसिमल फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे निकालोगे आप ये पीसीवी, दो मेथड्स है इसके, मैक्रो मेथड और माइक्रो मेथड। मैक्रो मेथड में विंट्रॉप्स ट्यूब और माइक्रो मेथड में कैपिलरी ट्यूब काम में लेते हैं। मैं आपको केवल एक ही मेथड समझाऊंगी, दोनों मेथड एग्जाम में इतना आप लिख भी नहीं पाओगे, टाइम भी नहीं होता आपके पास। तो मैक्रो मेथड को विंट्रॉप्स मेथड जो है, इसमें विंट्रॉप्स हिमेटोक्रिट की ट्यूब, आप एक स्पेशल थिक वॉल की ट्यूब होती है, 11 सेंटीमीटर लंबी होती है, 2.5 मिलीमीटर इसका इंटरनल डायमीटर होता है, फ्लैट इनर बेस होता है। ब्लड सैंपल आप EDTA के साथ में लीजिए और आप इसको ब्लड को थोरोली मिक्स करिए उलट पलट करके, जो आपकी टेस्ट ट्यूब है ऊपर नीचे ऐसे उल्टी सीधी उसको रखे रहिए, वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। पाश्चर पापेट में फिर वो ब्लड लेकर के आपको विंट्रॉप्स ट्यूब में 100 मिलीमीटर मार्क तक डालना है। अब इसके बाद क्या करना है, ये ध्यान रखो कि उसमें कोई बबल नहीं आना चाहिए, एयर ट्रैप्ड नहीं होनी चाहिए, और फिर उसको 2000 से 2300 आरपीएम पर सेंट्रीफ्यूज करिए आधे घंटे के लिए और निकाल लीजिए। तो पीसीवी की हाइट आप देख सकते हैं कि आप देखेंगे तो जब सेंट्रीफ्यूज करने बाद आप देखोगे तो वहाँ पर चार लेयर आपको बनी हुई दिखाई देगी टेस्ट ट्यूब के अंदर, जिसमें सबसे नीचे रेड सेल का पैक होता है। आप फ्रैक्शंस को नोट करेंगे टोटल वॉल्यूम में, तो रेड सेल का पैक होता है, थिन ग्रेइश कलर लेयर ल्यूकोसाइट की दिखाई देगी, मतलब सबसे पहले रेड सेल नीचे, उसके ऊपर थिन ग्रेश WBC की, उसके ऊपर क्रीम कलर की प्लेटलेट्स, और सबसे ऊपर जो है वो प्लाज्मा हल्के रंग का दिखाई देगा। इसको आप बफी कोट कहते हो। किसको बफी कोट कह रहे हो आप, प्लेटलेट और WBC जो आपको दिखाई दे रही है इन दोनों को एक साथ बफी कोट कहते हैं, और इसके ऊपर प्लाज्मा दिखाई देता है अपर मोस्ट। बफी कोट जो है वो मैंने आपको बताया कि भाई WBC और प्लेटलेट के नंबर जो है वो बफी कोट में देखते हैं, नॉर्मली 0.1 मिलीमीटर थिक ये लेयर आपको दिखाई देगी। प्लाज्मा कलर कैसा दिखेगा, येलो कलर या ओपेक प्लाज्मा या पिंक कलर का दिखाई दे सकता है। नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है भाई PCV की, मेन में 40 से 54%, वुमेन में 36 से 47% और बर्थ के समय पर 44 से 62। तो ये जो अपन को दिखी है ना लेयर्स, नीचे आरबीसी के ऊपर WBC, उसके ऊपर प्लेटलेट, उसके ऊपर प्लाज्मा, तो नीचे जो आरबीसी की आपको लेयर दिख रही है उसको आप मेज़र कर लीजिए, स्केल से मेज़र कर लेंगे तो पीसीवी आपका आ जाएगा। ख़त्म, पीसीवी आपका कैपिलरी हिमेटोग्रिट 7 सेंटीमीटर लॉन्ग में अपन ने देख लिया, बस ठीक है।
अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मेज़रमेंट ऑफ पीसीवी इन ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में पीसीवी मेज़र कैसे करते हैं? ये एक मेथड है इलेक्ट्रॉनिक सेल काउंटर्स के साथ में अपन करते हैं, इसमें कैलकुलेट करते हैं जिसमें एमसीवी को रेड सेल काउंट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसकी टॉपिक की हेडिंग एक्चुअली क्या है? इराइथ्रोसाइट इंडेक्स। अपन को क्या पढ़ना है? इराइथ्रोसाइट इंडेक्स। ये एक्चुअली बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ टेस्ट विच मेजर्स हीमोग्लोबिन पीसीवी एंड टोटल रेड सेल काउंट। देखो अपन ने सबसे पहले, मैंने जब आपको प्रीवियस क्लास में चैप्टर पढ़ाया था ब्लड का स्टार्ट जहाँ किया, वहाँ सबसे पहला टेस्ट अपन ने हीमोग्लोबिन का किया था। तो रेड सेल इंडेक्स देखने के लिए अपन को क्या चाहिए? सबसे पहला हीमोग्लोबिन एस्टिमेट करना है। दूसरा हमने क्या देखा था भाई, सेकेंड टॉपिक अपन ने देखा था कि काउंटिंग करी थी अपने आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट किया। प्लेटलेट आरडब्ल्यूबीसी अपन को मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ तो अपन एराइथ्रोसाइटिक इंडेक्स देख रहे हैं, तो आरबीसी काउंटिंग। तो सेकंड रेड सेल का काउंट चाहिए, पहला हीमोग्लोबिन, दूसरा रेड सेल का काउंट, तीसरा हमने अभी क्या टॉपिक पढ़ा था पीसीवी, तो तीसरी हमारे को पीसीवी पता होनी चाहिए। ये तीन चीज़ें अगर हमारे को पता है तो हम एराइथ्रोसाइट इंडेक्स जो है वो निकाल सकते हैं। विंट्रॉप ने सबसे पहले ये कैलकुलेशन इंट्रोड्यूस करी थी, इसलिए इसको अपन विंट्रॉप्स कॉन्स्टेंट भी कहते हैं। एनीमिया को क्लासिफाई करने के लिए ये जो है कंडीशन अपन काम में लेते हैं। इसमें अपन को तीन चीज़ें निकालनी होती है, एमसीवी, एमसीएच और एमसीएचसी। एमसीवी को मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम कहते हैं, एमसीएच को मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कहते हैं, और एमसीएचसी मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। क्योंकि ये वैल्यूज़ जो हैं उसके लिए एचबी, पीसीवी और रेड सेल काउंट आपको पहले से काउंट करके रखना है। अब देखिए एमसीवी एवरेज रेड सेल का वॉल्यूम, एवरेज सेल वॉल्यूम जो सभी रेड सेल्स का है उसके बेसिस पर वो एमसीवी कहलाता है। डेफिनेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, या मैं कहूँ काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो भी गलत नहीं है भाई, कि एवरेज सेल वॉल्यूम ऑफ ऑल रेड सेल, जितनी भी ऑल रेड सेल्स है उसमें एवरेज रेड सेल का वॉल्यूम देखोगे, इन दोनों का रेशियो निकाल लो तो एमसीवी आएगा। और इसको समझने सबसे अच्छा तरीका फॉर्मूले को देखो, फॉर्मूले से ये चीज़ें समझ में आएगी तीनों, एमसीवी, एमसीएच और एमसीएस, आपको फॉर्मूले समझ में आएगी। डेफिनेशन तो सीधा रट्टा मारिए। एमसीवी कैसे निकालोगे? पीसीवी अपन रेड सेल काउंट कर दो सीधा। एक लीटर ब्लड में पीसीवी कितना है, एक लीटर ब्लड में रेड सेल काउंट कितनी है, तो पीसीवी और रेड सेल को आप डिवाइड कर दो, रेशियो ले लो इनका। पीसीवी को अपन परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं पर 100 ml के अंदर, और रेड सेल काउंट पर क्यूबिक मिलीमीटर में, तो एमसीवी आएगा आपका फेमटोलीटर के अंदर। ये आपका रिजल्ट आया फेमटोलीटर में, आपने इसका बता दिया। दूसरा है आपका मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। डेफिनेशन क्या है? सभी रेड सेल में एवरेज हीमोग्लोबिन का अमाउंट, या रेड ब्लड, एवरेज रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन का अमाउंट एमसीएच होता है। कैसे निकालोगे? एचबी अपॉन आरबीसी कर दो, एचबी अपॉन आरबीसी, जो हीमोग्लोबिन की रीडिंग आई है और जो रेड ब्लड सेल का काउंट आया है डिवाइड कर दो। ये वैल्यू आएगी आपकी पिकोग्राम के अंदर 15 dL तक, ये रिजल्ट 5 million बस, ठीक है, रिजल्ट आएगा आपका पिकोग्राम में। लास्ट है एमसीएचसी, क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एवरेज रेड ब्लड सेल में, एवरेज रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कितनी है। तो ये फॉर्मूला आपका हीमोग्लोबिन इंटू 100 अपॉन पीसीवी कर दो। अब वैल्यूज देखिए भाई, नॉर्मल एमसीवी की वैल्यू एडल्ट में 85 आती है, प्लस माइनस 9 हो सकता है फेमटोलीटर में देखोगे। फुल टर्म या कोल्ड ब्लड में 106 फेमटोलीटर, एक साल के बच्चे में 78 और 10 से 12 में 85 फेमटोलीटर एमसीवी आएगा। एमसीएच एडल्ट में 29.5 आता है पिकोग्राम, और एमसीएससी एडल्ट और बच्चों में 33 प्लस माइनस 2% एमसीएससी आएगा। ख़त्म आपका ये रेड सेल इंडेक्स। अब ईएसआर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार इस पर शॉर्ट नोट पूछा गया है। ESR क्या होता है? जब आप वीनस ब्लड, ESR के लिए हमेशा वीनस ब्लड लेते हैं, पीसीवी के लिए हमेशा वीनस ब्लड लेते हैं भाई, कैपिलरी ब्लड नहीं लेते कभी भी। वीनस ब्लड को आप मिक्स करिए वर्टिकल ट्यूब में और फिर थोड़े देर के लिए छोड़ दीजिए, तो रेड सेल सेडिमेंट हो जाएगी नीचे, बॉटम पे आके फॉल हो जाएंगी। तो आप आरबीसी कॉलम के बॉटम, वो जो कॉलम है उसका टॉप तक उसको लेंथ को मेज़र करिए,
एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ये आएगा आपका इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। गिवन अपन ने क्यों टाइम क्यों बोला, क्योंकि एक घंटे में ये रीडिंग आपको लेनी है। एक घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए भाई, टेस्ट ट्यूब में ब्लड ले लीजिए, एक घंटे के लिए लैब में छोड़ दीजिए, बिना हिलाए डुलाए एकदम सीधी वो टेस्ट ट्यूब रहनी चाहिए। थोड़ी बहुत भी तिरछी विरछी रख दी, रिजल्ट गलत आ जाएगा आपका। तो आपने छोड़ दिया एक घंटे तक, एक घंटे के बाद आप देखेंगे क्या देखना है, वही लेंथ के नीचे आरबीसी कितनी बैठी है, आरबीसी उसके ऊपर डब्ल्यूबीसी, उसके ऊपर प्लेटलेट, उसके ऊपर प्लाज्मा आता है, जैसा पीसीवी में आया था। पीसीवी ईएसआर में क्या फ़र्क है भाई, पीसीवी में अपन ने सेंट्रीफ्यूज किया था, ईएसआर में सेंट्रीफ्यूज नहीं करते, सीधा अपन ब्लड को छोड़ देते हैं। देखिए ईएसआर में क्या होता है, आरबीसी नीचे बैठती हैं, फॉल होती हैं, यानी सेडिमेंट हो रही है। वो सेडिमेंट किस स्पीड से हो रही है, उसके रेट को अपन ईएसआर कहते हैं, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो जो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंट होती है, ये तीन स्टेजेस के अंदर होएगी। एक तो मैंने आपको कहा कि एक घंटे के टाइम इंटरवल पर ये लेना होता है, तो एक घंटे के टाइम इंटरवल को अपन तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 10 मिनट, 40 मिनट और 10 मिनट। तीन स्टेजेस हैं, पहली स्टेज में 10 मिनट लगेंगे, दूसरी स्टेज में 40 मिनट लगेंगे और तीसरी स्टेज में वापस 10 मिनट लगेंगे। पहली स्टेज में रॉलेक्स फॉर्मेशन होता है या एग्रीगेशन होता है, दूसरी स्टेज में सेटिंग या सेटलिंग या सेडिमेंटेशन होएगा जिसमें 40 मिनट लगेंगे, और तीसरी स्टेज में पैकिंग हो जाती है। देखिए फर्स्ट 10 मिनट्स में आरबीसी एक साथ रॉलेक्स फॉर्मेशन करती है, जैसे सिक्के की ढेरी लगती है ना, एक के ऊपर एक सिक्का अगर आप रखो, ढेरी लगा लो आप उसकी, वैसे ही आरबीसी जब गिरती है तो एक दूसरे के ऊपर गिरती है, एक दूसरे के ऊपर, ऑन टॉप ऑफ अनदर, जैसे पाइल्स ऑफ कॉइन्स होते हैं। ये होता है रोलेक्स फॉर्मेशन। ये फास्टर होएगा नेक्स्ट स्टेज के कंपैरिजन में, ये जितनी तेज होएगा, जितना ज़्यादा होगा उतनी नेक्स्ट स्टेज फास्टर होएगी, मतलब ये कहना चाह रही लाइन। दूसरी सेटलिंग या सेडिमेंटेशन स्टेज है, इसमें 40 मिनट लगेंगे, इसमें आरबीसी अब कॉन्स्टेंट रेट से सेट हो गया, अभी तो डिग्गी मच गई, ढेरी बना ली थी इस आरबीसी ने, अभी अपने आप गिरना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आप सिक्कों की ढेरी बना करके देखिए, एक लिमिट तक आप ढेरी बनाओगे, उसके ऊपर अगर आप सिक्के रखोगे नीचे गिरने स्टार्ट हो जाएंगे, वैसे ही आरबीसी गिरने लग जाती है। तीसरी फाइनल स्टेज है पैकिंग, जिसमें लास्ट के 10 मिनट लगते हैं, इसमें अब सेडिमेंटेशन स्लो हो जाता है, सेल जो होती है पैक होनी स्टार्ट होती है अपने बैटम में, जो सिर्फ बिखरी थी अब वो पैक्ड होकर के अच्छे से जम जाएंगी। अब इसको अपन किस किस में कर सकते हैं, मेथड्स क्या हैं, वेस्टर्जन मेथड से अपन कर सकते हैं, विंड्रॉप्स मेथड से और माइक्रो ESR मेथड से कर सकते हैं, जो बच्चों में किया जाता है। वही वेस्टर्जन ट्यूब को बता देती हूँ, स्ट्रेट पाइपेट लेने, 30 सेंटीमीटर की लेंथ है, 2.5 मिलीमीटर का डायामीटर है, 2 ml तक का ब्लड आप इसमें ले सकते हो, रैक आएगी इसकी होल्ड करने के लिए, पाइपेट को वर्टिकली उसमें रख सकते हो रबर बैंड लगा करके, ब्लड गिरना नहीं चाहिए ध्यान रखिए, ख़त्म। अब वैल्यू, 50 साल से छोटे लोगों के 15 ml मेन में और 20 ml, ये ध्यान रखिएगा, ESR विमेन में ज़्यादा होता है मेन के कंपैरिजन, बाकी सब चीज़ें कम आती है विमेन के अंदर, ESR ज़्यादा होता है। 50 साल से बड़ी उम्र के लोग हैं तो मेन में 20 और विमेन में 30, 85 साल से बड़े हैं तो मेन में 30 और विमेन में 40 ml पर आर के हिसाब से ESR आएगा। अब ESR इतना भी आसान नहीं है ले लेना भाई, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो ESR पे इफ़ेक्ट डालते हैं। सो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल फैक्टर में प्लाज्मा फैक्टर, रेड सेल फैक्टर, एज और सेक्स का फ़र्क पड़ेगा। प्लाज्मा फैक्टर जैसे प्लाज्मा फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, कोलेस्ट्रॉल वगैरह ESR को बढ़ा देते हैं। दूसरा रेड सेल फैक्टर, अगर आरबीसी का नंबर कम है जैसे एनीमिया में होता है तो ESR बढ़ जाएगा, जबकि अगर पॉलीसाइथीमिया है तो ESR कम हो जाएगा। एज, बच्चों में ESR कम होता है और ग्रेजुअली ये एडल्ट तक बढ़ने लग जाता है, प्यूबर्टी तक बढ़ेगा, ओल्ड एज में ESR बहुत हाई हो जाता है। सेक्स, मैंने कहा विमेन में मेन के कंपैरिजन में ESR ज़्यादा होता है पर PCV लो होती है। और लास्ट पॉइंट है प्रेगनेंसी, ESR पहले तो बढ़नी शुरू होती है 3rd month तक और उसके बाद 4 week तक वापस नॉर्मल आ जाएगी डिलीवरी के बाद में। तो ये तो थे आपके फिजियोलॉजिक फैक्टर, इसके अलावा कुछ लेबोरेटरी फैक्टर्स भी होते हैं कि हो सकता है आपने लैब में कुछ गलती कर दी थी इसलिए ESR चेंज हो गया। वो कौन से फैक्टर्स है भाई लैब के, टेम्परेचर, टाइम, एंटीकोगुलेंट, ट्यूब फैक्टर और टिल्टिंग। टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री स्टैंडर्ड टेम्परेचर, इससे कम या ज़्यादा हुआ तो ESR बिगड़ जाएगी। टाइम, आपने 2 घंटे रख लिया या 2 घंटे तक पहले ब्लड को रखे रखा फिर आप ESR देख रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट एंटीकोगुलेंट, सोडियम साइट्रेट EDTA, बैलेंस्ड ऑक्सलेट वगैरह,
आप यूज़ करो एंटीकोगुलेंट के लिए, पर हिपेरिन यूज़ नहीं कर सकते, हिपेरिन ऑल्टर कर देता है ESR को। ट्यूब इफेक्टर, भाई आपने बहुत पतली, बहुत मोटी, बहुत लंबी, बहुत छोटी ट्यूब ली है तो ESR चेंज हो जाएगा। और अगर आपने टिल्टिंग ट्यूब या मूवमेंट आपने बीच में हिला दिया या आपने थोड़ी टेढ़ी रखी ट्यूब को, तो आपका ESR जो है वो चेंज हो जाएगा। बस इसके साथ आपका आज का ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए। इसके बाद अपना एक और पार्ट रहेगा जिसमें अपन CT, BT और ब्लड ग्रुपिंग वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है? ब्लड ग्रुपिंग और क्रॉस मैचिंग। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू क्लास।